हेलो, गुड मॉर्निंग चाइल्ड. आज हम क्लास थर्ड साइंस के चैप्टर नंबर 4 बर्ड्स स्ट्रक्चर एंड फ्लाइट. चैप्टर नंबर 4 की रिमेनिंग टॉपिक्स रीड करेंगे. देखिए, इसके पहले वीडियो में आपको यहाँ तक पढ़ा दिया गया था. अब इस वीडियो में आपको इसके आगे की टॉपिक्स पढ़ाई जाएगी. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपकी, हाउ डज अ बर्ड फ्लाई. हाउ मीन्स कैसे, अ बर्ड यानी एक पक्षी, फ्लाई मीन्स उड़ना. एक पक्षी कैसे उड़ता है, इस टॉपिक में हम रीड करेंगे. ठीक है, सो नाउ स्टार्ट. वेन एवर अ बर्ड विशेस टू फ्लाई, इट फ्लटर्स इट्स विंग्स एंड रेजेस इट्स बॉडी इन एयर. वेन एवर मीन्स होता है जब कभी. ठीक है, या जब भी. अ बर्ड यानी एक पक्षी, विशेस यानी इच्छा. ठीक है, फ्लाई मीन्स उड़ना, फ्लटर्स मीन्स फड़फड़ाना, विंग्स मीन्स पंख, रेजेस मीन्स रेज मीन्स उठाना, ऊपर उठना. ओके, बॉडी यानी शरीर, एयर मीन्स हवा. ओके, अब इस लाइन को पढ़ते हैं. व्हेनेवर अ बर्ड विशेस टू फ्लाई, जब भी एक पक्षी उड़ना चाहता है. ठीक है, विशेस मीन्स चाहना या इच्छा. ठीक है, जब भी एक पक्षी उड़ना चाहता है, इट फ्लटर्स इट्स विंग्स, अपने तो वो क्या करता है, तो वो अपने पंख फड़फड़ाता है. एंड रेजेस इट्स बॉडी इन एयर, और हवा में अपने शरीर को उठाता है. ठीक है, आपने पीजन को फ्लाई करते हुए देखा होगा, जब वो फ्लाई करता है, उड़ता है. ठीक है, उड़ना चाहता है, तो वो अपने पंख को क्या करता है, फड़फड़ाता है, और अपने शरीर को ऊपर की ओर, ठीक है, क्या करता है, ऊपर की ओर उठाता है और उड़ते हुए चला जाता है. ठीक है, तो इसका मीन्स यही होगा, जब भी कोई पक्षी उड़ना चाहता है, वो अपने पंख को फड़फड़ाता है और बॉडी को, अपने शरीर को क्या करता है, उठाता है. ठीक, वंस अ बर्ड रीचेस अ पर्टिकुलर हाइट इन द स्काई. पर्टिकुलर हाइट यानी एक सीमित ऊंचाई तक. ठीक है, वंस मीन्स एक बार, अ पक्षी, अ बर्ड यानी एक पक्षी, रीचेस यानी रीच मीन्स पहुंचना. ठीक है, वंस अ बर्ड रीचेस अ पर्टिकुलर हाइट इन द स्काई, एक बार जब कोई पक्षी, ठीक है, एक बार एक पक्षी आकाश में ऊंचाई पर पहुंच जाता है. ठीक है, रीचेस यानी पहुंच जाता है, जैसे वो उड़ा और उड़ने के बाद आकाश में पहुंच गया. तो एक बार एक पक्षी आकाश में एकदम ऊंचाई तक, पर्टिकुलर हाइट यानी एक लिमिट हाइट तक, ठीक, सीमित ऊंचाई तक पहुंच जाता है. इट डज नॉट रिक्वायर टू कीप इट्स विंग फ्लटरिंग. रिक्वायरमेंट्स होता है आवश्यकता, विंग्स यानी पंख, फ्लटरिंग यानी फड़फड़ाना. ठीक है, एक बार एक पक्षी आकाश में एक सीमित ऊंचाई तक जब पहुंच जाता है, इट डज नॉट रिक्वायर टू कीप इट्स विंग फ्लटरिंग, तो क्या होता है, तो उसे अपने पंखों को फड़फड़ाते रहने की आवश्यकता नहीं होती. ठीक है, जब वो आकाश में पहुंच जाता है, तो ये नहीं कि वो अपने आकाश में पंख को बार बार फिर से फड़फड़ाए, तो वहाँ पे जब पहुँच जाता है, तो वहाँ पे फड़फड़ाने की आवश्यकता नहीं होती उसे. ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर टू कीप इट्स विंग फ्लटरिंग, तो क्या होता है, उसे अपने पंखों को फड़फड़ाने, ठीक है, फड़फड़ाते रहने की आवश्यकता नहीं होती. इट कैन फ्लाई इन एयर, एयर यानी हवा, ओनली बाय बैलेंसिंग इट्स बॉडी. ठीक, बैलेंसिंग इट्स बॉडी मतलब अपने शरीर को
संतुलित रखना, ठीक है। इट कैन फ्लाई इन एयर ओनली बाय बैलेंसिंग इट्स बॉडी, यह केवल शरीर को संतुलित करके हवा में उड़ सकता है, ठीक है। ये अपने बॉडी को क्या करता है, संतुलित करके हवा में उड़ सकता है, ठीक है। अपने शरीर को केवल संतुलित करके हवा में उड़ सकता है। द बर्ड कैन चेंज इट्स डायरेक्शन बाय द हेल्प ऑफ इट्स टेल, ठीक। एक देखिए, चेंज यानी परिवर्तन करना, डायरेक्शन यानी दिशा, हेल्प यानी मदद, सहायता, टेल यानी पूंछ। द बर्ड कैन चेंज इट्स डायरेक्शन बाय द हेल्प ऑफ इट्स टेल, पक्षी क्या होता है, अपनी पूंछ की मदद से अपनी दिशा को बदल सकता है, ठीक है। पक्षी अपने पूंछ की मदद से अपने क्या करता है, अपनी दिशा को बदल सकता है, ठीक। नेक्स्ट, व्हेनेवर इट विशेस टू कम डाउन, कम डाउन यानी नीचे की ओर आना, ठीक है। जब भी उसकी इच्छा होगी वो चाहेगा नीचे आने के लिए, ठीक है। जब भी नीचे आने की उसकी इच्छा होती है, इट फोल्ड इट्स विंग स्लाइटली, स्लाइटली मतलब थोड़ा, ठीक है। स्लाइटली मीन्स थोड़ा। जब भी उसकी नीचे आने की इच्छा होती है वो अपने पंखों को थोड़ा क्या करता है, फोल्ड यानी मोड़ लेता है, थोड़ा सा मोड़ लेता है। एंड इवन मूव क्लॉज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड यानी नीचे, क्लॉज यानी पंजा, ठीक है। और वह अपने पंजों को क्या करता है, इवन मूव क्लॉज डाउनवर्ड, अपने पंजों को थोड़ा मोड़ देता है, ठीक है। जब भी देखिए यहाँ से फिर से रिपीट कर रहे हैं, Whenever it wishes to come down, जब भी उसकी इच्छा होती है नीचे आने की, it folds its wings, वह slightly, वह अपने पंखों को मोड़ लेता है, ठीक। यह क्या करता है, पंछी क्या करता है, अपने पंखों को मोड़ लेता है। एंड इवन मूव क्लॉज डाउनवर्ड, और अपने पंजों को क्या करता है, डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर मोड़ लेता है, ठीक है। अपने पंजों को क्या करता है, नीचे की ओर मोड़ लेता है। दिस हेल्प्स इन लैंडिंग ऑन ग्राउंड और ऑन ट्री, ठीक। यह क्या करता है, जमीन पर, ऑन ग्राउंड यानी जमीन पर, ऑन अ पेड़, ऑन अ ट्री यानी पेड़ पर, ठीक। यह जमीन पर और पेड़ पर, लैंडिंग यानी उतरना, लैंड करना, ठीक है। कहाँ पर, जमीन पर और पेड़ पर उतरने में मदद करता है, हेल्प यानी मदद करना, ठीक। जब वो नीचे उतरने की इच्छा करता है तो वो क्या करता है, अपने पंखों को थोड़ा मोड़ता है और पंजों को भी नीचे की ओर मोड़ लेता है। और जब वो नीचे आता है तो क्या होता है, इस तरह से जब वो नीचे आता है तो वह पेड़ों पर और ज़मीन पर आसानी से उतरने में उसको क्या होती है, मदद मिलती है, ठीक है। इस प्रकार वो क्या करता है, जमीन पर, पेड़ पर उतरने में मदद करता है उसको, ठीक है। दीज टू मूवमेंट, ये इसने दो मूवमेंट किया ना, एक बार पंखों को मोड़ा और अपने पंजों को नीचे की ओर मोड़ा, ठीक है। तो ये दो मूवमेंट उसने किए उतरने के टाइम में, जब वो उतर रहा था तो उसने दो मूवमेंट किया, इसलिए ये दो मूवमेंट के बारे में बताया गया। दीज टू मूवमेंट ऑफ अ बर्ड, एक पक्षी का ये दो मूवमेंट यानी ये दो गति, ये दो आंदोलन, आर नोन एज अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक रिस्पेक्टिवली, यानी ये दोनों जो उसके मूवमेंट हुए, जो उसने ये आंदोलन किया, ठीक है, ये दोनों चेंजिंग की जो उसने, इसकी वजह से इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन दोनों जो ये दोनों मूवमेंट हुआ इनमें, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, अप स्ट्रोक यानी क्या होता है, इसे हम अप स्ट्रोक कहते हैं और डाउन स्ट्रोक कहते हैं के रूप में जाना जाता है, नोन एज यानी जाना जाता है, ठीक। इसे हम अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक के रूप में
जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए आपका क्या है टॉपिक, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। फ्लाइट ऑफ बर्ड मीन्स चिड़ियों का उड़ना। ठीक, बर्ड मीन्स पक्षी, पक्षी का उड़ना। ठीक है, देखिए डिफरेंट बर्ड फ्लाई टू डिफरेंट एक्सटेंट्स इन द स्काई। एक्सटेंट यानी एक लिमिट में, एक सीमा तक। ठीक है, अलग अलग पक्षी अलग अलग प्रकार के, ठीक है, क्या होता है, अलग अलग पक्षी आकाश में अलग अलग स्थान पर उड़ते हैं। ठीक है, उनके उड़ने की अलग अलग एक लिमिट होती है। ठीक, अलग अलग पक्षी आकाश में, ठीक है, आकाश में अलग अलग स्थानों पर उड़ते हैं, अलग अलग सीमा पर एक तरीके से। ठीक है, अलग अलग सीमा में एक उनकी लिमिट होती है कि कितना दूरी तक वो उड़ सकते हैं, इसका मतलब ये है। सम बर्ड्स फ्लाई एट लो हाइट एज क्रो, पिजन, पैरट, स्पैरो, इटीसी। सम बर्ड्स मीन्स कुछ पक्षी क्या करते हैं, फ्लाई मीन्स उड़ना। कुछ पक्षी लो हाइट मीन्स होता है कम ऊंचाई पर। ठीक है, कुछ पक्षी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, जैसे कि कौवा, कबूतर, तोता और गौरैया। ये सब क्या होते हैं, कम हाइट पर, कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर ये नहीं उड़ सकते हैं। ठीक है, बट स्टिल दीज बर्ड्स कैन फ्लाई फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। लॉन्गर डिस्टेंस यानी अधिक दूरी तक। ठीक है, लॉन्गर डिस्टेंस यानी अधिक दूरी। बट स्टिल मीन्स क्या होगा, लेकिन फिर भी। ठीक है, बट स्टिल मीन्स लेकिन फिर भी दीज बर्ड यानी ये सारे जो बर्ड हैं, ये सारे जो पक्षी हैं, कैन फ्लाई फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, अधिक दूरी तक क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। लेकिन ये सारे जो पक्षी हैं अधिक दूरी तक उड़ सकते हैं। ठीक है, इन ओल्डन डेज पीजन्स यूज टू कैरी मीन्स ले जाना, आवर लेटर्स मीन्स पत्र, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वन प्लेस टू अनदर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान। ठीक है, ओल्डन डेज मतलब पुराने दिन, यूज मीन्स उपयोग। इन ओल्डन डेज यानी पुराने दिनों में, इन मीन्स में, पुराने दिनों में कबूतर क्या होता था, कबूतर क्या करता था, आवर लेटर मीन्स हमारे पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के उपयोग में, ले जाने के उपयोग में होता था। ठीक है, यानी जो पुराने दिनों में कबूतर क्या करता था, किसी के भी पत्रों को, ठीक है, हम सबके पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के उपयोग में काम आता था। ठीक है, वो हमारे पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता था। ठीक है, देखिए अब आपकी नेक्स्ट टॉपिक क्या दी है, इन सारे पक्षियों के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये कितनी दूरी तक उड़ सकते हैं। ठीक है, कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देयर आर अ फ्यू बर्ड्स, फ्यू मीन्स कुछ, विच कैन फ्लाई ग्रेट हाइट। विच यानी जो, कुछ ऐसे पक्षी हैं, देयर आर अ फ्यू बर्ड्स, कुछ ऐसे पक्षी विच कैन फ्लाई एट ग्रेट हाइट। ग्रेट हाइट मीन्स होता है अधिक दूरी। ठीक है, यहाँ देखिए आपको मैंने लो हाइट बताया था। ठीक है, लो हाइट मीन्स होता है बहुत कम, ठीक, बहुत कम ऊंचाई। अब ये देखिए क्या है, ग्रेट हाइट, ग्रेट हाइट मतलब अधिक ऊंचाई। ठीक, यानी बड़ी ऊंचाई में। कुछ ऐसे पक्षी हैं जो बहुत अधिक ऊंचाई तक,
एंड फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, लॉन्गर डिस्टेंस मतलब बहुत अधिक दूरी, ठीक, एज काइट, ईगल, हॉक, वल्चर, एटीसी, कुछ ऐसे पक्षी हैं जो बहुत ऊंचाई तक, ठीक है, बड़ी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं और अधिक दूरी तक, बहुत बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं और अधिक दूरी तक भी उड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पक्षी हैं जो अधिक ऊंचाई तक और अधिक दूरी तक उड़ सकते हैं, जैसे देखिए क्या कौन कौन से पक्षी हैं, काइट, काइट मीन्स चील, ठीक, ईगल, ईगल मीन्स एक ऐसा बाज होता है, ये एक ऐसा, इसको गरुड़ भी बोलते हैं, जो गिद्धों का एक तरीके से राजा माना जाता है, ठीक है। हॉक मीन्स बाज, वल्चर मीन्स गिद्ध, इटीसी, ये सब ऐसे पक्षी हैं जो बहुत अधिक ऊंचाई तक और बहुत दूरी तक, अधिक दूरी तक उड़ सकते हैं। दे हैव गॉट वेरी शार्प, वेरी शार्प मतलब बहुत तेज, ठीक, आइज, दे हैव गॉट वेरी शार्प आइज टू सी देयर प्रे ऑन ग्राउंड, ऑन ग्राउंड मीन्स जमीन पर, प्रे मतलब शिकार, ठीक, जमीन पर अपने शिकार को देखने के लिए उन्हें बहुत तेज आंखें मिली हैं, ठीक है। गॉड ने इनको इतनी तेज आंखें दी हैं, दे हैव गॉट वेरी शार्प आइज इनके पास, ठीक है, इन्होंने कैसी आंखें पाई हैं, इन्होंने बहुत ही तेज आंखें पाई हैं। टू सी डियर प्रे ऑन ग्राउंड, ये डियर यहाँ यहाँ पर डियर का मीन्स होगा अपने, ये अपने शिकार को जमीन पर, ठीक है, जमीन पर अपने शिकार को बहुत ही आसानी से अपनी तेज आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, जमीन पर अपने शिकार को देखने के लिए उन्हें बहुत तेज आंखें मिली हैं, ठीक है। इन्हें कैसी आंखें मिली हैं, जमीन पर अपने शिकार को देखने के लिए इन्हें क्या मिली हैं, बहुत तेज आंखें मिली हैं। देखिए कौन कौन से हैं ये बर्ड्स, देखिए ये बर्ड्स क्या हैं, देखिए वल्चर, हॉक, काइट, ये सब ऐसे पक्षी हैं जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि इनकी बहुत तेज आंखें होती हैं, ये अपने शिकार को बहुत ऊंची, बहुत ऊंचाई से, ये बहुत ऊंची ऊंची स्थानों से ही बैठकर अपनी तेज आंखों से जमीन पर चलते हुए अपने शिकार को देखकर और बहुत ही आसानी से पकड़ लेते हैं, ठीक है। और ये बहुत ऊंचाई तक और बहुत अधिक दूरी तक भी उड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बर्ड्स लाइक हैन, कॉक, पीकॉक, एटीसी आर दोज बर्ड विच कैन फ्लाई फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस मतलब बहुत कम दूरी तक, ठीक है, बहुत कम दूरी तक। पक्षी जैसे हैन मुर्गी, कॉक, कॉक मीन्स मुर्गा, पीकॉक मीन्स मोर, मुर्गी, मुर्गा और मोर, मुर्गी, मुर्गा, मोर इत्यादि आदि ऐसे पक्षी हैं, आर दोज बर्ड ऐसे पक्षी हैं विच कैन फ्लाई फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, जो बहुत कम दूरी तक उड़ सकते हैं, ये ऐसे पक्षी होते हैं जो कम दूरी तक, बहुत कम दूरी तक उड़ सकते हैं। दे सिंपली हॉप ऑन ग्राउंड, ठीक है, जो क्या करते हैं, वे बस जमीन पर, ठीक है, जमीन पर आशा करते हैं, ठीक है, यानी ये सब ज़्यादातर क्या करते हैं, सब जमीन पर ही रहते हैं, ठीक है, ज़्यादातर आपने देखा होगा ये लोग जमीन पर चलते रहते हैं और अगर इन्हें उड़ना होता है तो थोड़ी थोड़ी दूरी तक खाली ये लोग उड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, देयर आर सम बर्ड्स, देयर आर सम बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई, यहाँ पर कुछ ऐसे पक्षी हैं जो कैन नॉट फ्लाई मतलब उड़ नहीं सकते, कैन नॉट फ्लाई एट ऑल, एट ऑल जो बिल्कुल भी, ठीक है, कुछ ऐसे पक्षी हैं जो बिल्कुल भी नहीं उड़ सकते हैं। इट इज़ ड्यू टू दियर हैवी वेट, इट इज़ ड्यू टू दियर हैवी वेट, हैवी वेट मतलब भारी वजन, ठीक, अपने भारी वजन के कारण, ठीक है, या उनके भारी वजन के कारण, यानी इनका जो वेट होता है, ये देखिए आपने ये सारे बर्ड्स हैं ना, इनका वेट इतना हैवी होता है कि अपनी हैवी वेट के कारण ये क्या होते हैं,
ज़्यादा दूर तक, या फिर ये उड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है, ये उड़ नहीं सकते हैं। कीवी, पिगविन एंड ऑस्ट्रिच आर सच फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस मतलब उड़ान रहित, यानी जो उड़ नहीं सकते। कीवी, पेंगुइन, ठीक है, पेंगुइन हो गया, और ऑस्ट्रिच, ये तीनों ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कीवी इज द ओनली बर्ड दैट लोकेट्स इट्स प्रे बाय स्मेल, ठीक है, ये अपने शिकार को स्मेल के द्वारा ढूंढ लेते हैं, ठीक है, ये अपने शिकार को स्मेल के द्वारा ढूंढ लेते हैं। एक टॉपिक देखिए हमने यहाँ पर भूल गए थे, यहाँ पर ये आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है, नो दिस ऑल्सो, इसको भी जानना ज़रूरी है। हमिंग बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड। चिड़ियों में जितनी भी बर्ड्स होती हैं उन सब बर्ड्स में हमिंग बर्ड यानी एक ऐसी चिड़िया है जो क्या होती है, सबसे छोटी चिड़िया होती है, इसकी साइज़ बहुत छोटी होती है, इसको आप जानते रहिए, जीके में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और इसको भी आप जानते रहिए। यहाँ पर इस, और देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं, पॉइंट्स टू रिमेम्बर, जितनी भी चीज़ें आपने इस बुक में पढ़ी है उसको शॉर्ट पॉइंट में करके यहाँ दिया गया है। जैसे बॉडी ऑफ द बर्ड इज थिन लाइट एंड बोट शेप, पक्षी का जो शरीर क्या होता है, पतला हल्का और नाव के आकार का। नंबर ऑफ बोन्स इन बर्ड्स बॉडी इज वेरी फ्यू, ठीक है, पक्षी में हड्डियाँ क्या होती हैं, बहुत थोड़ी होती हैं, ठीक है, वेरी फ्यू। बोन्स ऑफ द बर्ड आर थिन लाइट एंड हॉलो, पक्षियों की जो हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, पतली हल्की और खोखली होती हैं, बट स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन क्या होती हैं, लेकिन फिर भी बहुत मजबूत होती हैं। अ बर्ड हैज़ टू विंग्स, एक पक्षी के पास दो पंख होते हैं। विंग्स आर अटैच टू द बॉडी, पंख कहाँ से जुड़े हुए होते हैं, शरीर से, ऑफ द बर्ड, पक्षी के शरीर से जुड़े हुए होते हैं, बाय स्ट्रॉन्ग मसल्स, यानी उनकी मांसपेशियों के द्वारा, ठीक है, मांसपेशियों, उनके शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों के द्वारा, ठीक है। विंग्स आर अटैच टू द बॉडी ऑफ द बर्ड बाय स्ट्रॉन्ग मसल्स, ठीक, मांसपेशियों के द्वारा, ठीक, उनके शरीर से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, उनके पंख जुड़े हुए होते हैं। टेल इज हेल्पफुल इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, जो उसकी पूंछ होती हैं वो उड़ने की दिशा को क्या करती है, चेंज का काम करती है, चेंजिंग का, कि उसे किस डायरेक्शन में उड़ना है। ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन इटीसी आर फ्लाइटलेस बर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कीवी और ऑस्ट्रिच और पेंगुइन ये ऐसे पक्षी हैं जो क्या होते हैं, ऑस्ट्रिच मीन्स होता है शुतुरमुर्ग, ठीक है, ये ऐसे पक्षी हैं जो उड़ बिल्कुल भी नहीं सकते हैं, जो उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, ये रिमेम्बर, मतलब ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन शॉर्ट में दिया गया है पूरे लेसन का, आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका पूरा लेसन कंप्लीट होता है, ठीक है। इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आए हो, ठीक है, नहीं समझ में आई हो, आप अपने स्कूल का जो पर्सनल ग्रुप बना है, ठीक है, आपके पापा उसमें ऐड होंगे, ठीक, उसमें आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि मैम मुझे यहाँ नहीं समझ में आया, वहाँ नहीं समझ में आया, ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका पूरा लेसन कंप्लीट हो गया, ओके।